कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक दिन गिरावट के बाद फिर बढ़ोतरी हुई है। जी हां, पिछले 24 घंटों में 13,742 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं और 104 लोगों की जान चली गई है। बीते दिन 14,037 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। अच्छी बात ये भी है कि बीते दिन कुछ राज्यों में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। मंगलवार के मुकाबले बुधवार को कोरोना के मामलों में हल्का उछाल है। जी हां, कल देश में 10,584 नए केस दर्ज हुए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 13,742 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमण मरीजों का कुल आंकड़ा 1,10,30,176 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 104 लोगों ने इस खतरनाक वायरस के आगे अपना दम तोड़ा है। पिछले 24 घंटों में 104 मरीजों की मौत के बाद देश में कोरोना वायरस से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,56,567 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,07,26,702 है। पिछले 24 घंटों में 14,037 मरीज कोरोना वायरस से ठीक होकर अपने घर वापस लौटे हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार 2,00,000 से नीचे बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के संक्रमित मामलों से ज़्यादा कोरोना से ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा है। पिछले कई दिनों से देश में कोरोना के सक्रिय मामले 2,00,000 से कम आ रहे हैं। मौजूदा समय में भी 1,46,907 सक्रिय मामले ही दर्ज किए गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 1.46 लाख लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा टीकाकरण अभियान की बात करें तो देश में अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीका लग चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 1,21,65,598 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है।